हाय गाइस, तो सबसे पहले आप हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वीडियो नहीं बनाया था वहाँ का, क्योंकि वहाँ के पंडित जी ने मना कर दिया था, बट मेरी मम्मी ने दूर से ही एक फ़ोटो ले ली थी, तो मुझे लगा कि व्लॉग में आप लोगों के साथ मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए और आप लोगों को भी हनुमान जी के दर्शन कराना चाहिए, इसलिए मैंने आज के व्लॉग में हनुमान जी के दर्शन करा दिए आप लोगों को। हनुमानगढ़ी से दर्शन करने के बाद हम चले गए यहाँ के प्रसिद्ध राम जी के मंदिर में। राम जी के दर्शन करने के बाद हम चले गए व्यास जी की गद्दी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि नैमिषारण्य में पूरे धार्मिक स्थलों में से एक धार्मिक स्थल व्यास जी की गद्दी भी है। वैसे तो व्यास जी के बारे में सबको पता ही होगा, बट व्यास जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है जो कि कहा जाता है कि 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है, और इसी पेड़ के नीचे व्यास जी इसी गद्दी पे बैठकर शास्त्र, पुराण, गीता, महाभारत और सत्यनारायण भगवान जी की कथा की रचना करी थी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये है वो बरगद का पेड़ जो कि 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वही बरगद का पेड़ है जिसके नीचे व्यास जी अपनी गद्दी पर बैठकर उन्होंने वेद, पुराण, शास्त्रों की रचना करी थी। पेड़ के पास में सत्यनारायण भगवान जी का भी मंदिर है, तो हमने वहाँ पर जाकर सत्यनारायण भगवान जी के भी दर्शन किए। जब हम व्यास जी के गद्दी के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो सामने में ही दो मंदिर और हैं, तो चलिए गाइज आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। एंड गाइज अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, और अगर आप लोगों को आगे के भी व्लॉग्स देखने होंगे, तो प्लीज़ जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे उसी टाइप के वीडियोज़ ला सकूँ। कल के ब्लॉग में भी आप लोगों को नैमिषारण्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, तो फिर कल के ब्लॉग में मिलते हैं। बाय गाइज़।